लुटपुट गया। क्या बात है, लुटपुट गया। वो सुनो, 60 साल का उम्र है बंदा, 58 या 68, नाच रहा है गा रहा है। मैं अभी देखा था लेटेस्ट में रणबीर, अपना रणबीर बोला, रणबीर कपूर का। हमने इनको नहीं रोका था, देखो ना एकदम ऐसा अजीब सा लग रहा है। कौन होते हमको रोकने वाले, चल वे बदना। नकली उनका डबल फेस तो नहीं ऐसा लग रहा है, पता नहीं, वो एक्चुअल फेस नहीं लग रहा है। इसका दोस्त उड़ा, इसका दोस्त उड़ा, इसका दोस्त उड़ा है, देखो। क्या बात है। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और बहुत बहुत ऊंचाई तक पहुँचते रहेंगे। अगर नहीं भी पहुँच रहे हो, बहुत जल्द पहुँचोगे। खुद पे मेहनत कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए। मैं आपका सिनेमा बॉय प्रेजेंटिंग माय चाइल्ड टू यू। चलो ना फिर शुरू करते। तो कैसे हो मेरे भाई और उनकी बहनों, मेरे भाइयों और उनकी बहनों, आज हम मिलकर देखने जा रहे हैं हमारे शाहरुख खान सर का थर्ड मूवी का ट्रेलर, जिसका नाम है डंकी। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, सच्ची मैं बहुत खुश हूँ। मैं शाहरुख खान सर का बहुत बड़ा, बोलते ना एक मोटिवेशन मान लो या बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मानता हूँ, क्योंकि उस बंदे ने जो अपने लाइफ को बनाया है, भाई उसका पर्सनल लाइफ बोल रहा हूँ, मेरे को बहुत पसंद है। और इस वजह से पसंद है कि उस बंदे को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, अपने ऊपर बहुत ज्यादा, बोलते ना पेशेंस रखा हुआ। सोचो ना, 5 साल के बाद आने के बाद भी बैक टू बैक सुपरहिट मूवी देना, अब ये थर्ड मूवी को लाना, और भाई थर्ड मूवी को सिर्फ लाना नहीं, उसको बोलते कंपटीशन में रखना। सलार वर्सेस जंकी खाने की बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एक जगह जो बंदे ने KGF का बोलते ना इतना फ्रेंचाइजीज खोल के रखा है और उसको सुपर डुपर हिट किया, उसके सामने अपनी मूवी को लगाना मतलब बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात है कि आप 5 साल के बाद आ रहे हो और आप को मतलब ना ओवरऑल सब लोग भूल जाते हैं, भाई 5 साल के कोई आता है या कोई, मतलब ना ओवरऑल लोग म्यूजिक वीडियो को सुपर हिट नहीं बना सकते, लेकिन भाई ने, हमारे शाहरुख खान सर ने बैक टू बैक मूवी को, मतलब उनके मूवी को उन्होंने सुपर डुपर हिट कर दिया है। और ये थर्ड मूवी जो मूवी सुपर डुपर हिट होने वाला है, क्योंकि इसका डायरेक्टर है राजकुमारी हिरानी सर, और इसके साथ कास्टिंग तो बहुत भारी किया है, आपको पता ही, आपने मेरा टीजर देखा ही होगा, टीजर का रिएक्शन देखा होगा। तो भाई ओवरऑल स्टोरी यही है कि जहां तक हमने देखा था जो भी है, लेकिन मैं अभी बात नहीं करूंगा, अपन एंडिंग में बात करेंगे जो भी बात करेंगे, अभी बस अपन ट्रेलर देखेंगे जल्दी जल्दी और बहुत बात करेंगे, आखिरी में बात करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते बिना कोई वक्त दिए। तो चलो मेरे भाई और उनकी बहनों, चलो फिर शुरू करते हैं। भाई बहुत बात करना है, बहुत बात करना है, लेकिन अपन उसको सबको आखिर में बात करेंगे, क्योंकि भाई ये ट्रेलर को देखने का एक्साइटमेंट थोड़ा ज़्यादा है, आपको पता ही है, ठीक है। तो अपन मिलकर देखते हैं जो भी है, इन 3, 2, 1। अगर आप शाहरुख खान सर के फैन हो तो नीचे जाके कमेंट में ड्रॉप करो अपना प्यार, ठीक है। लेट्स गो। वाओ, शाहरुख खान सर, लेट्स गो। आहा, फेस देखो ना, वाओ, चार्मिंग फेस। एक कहानी शुरू हुई थी 1995 में, जब मैंने लालटू में कदम रखा। यहाँ मिले 4 उल्लू देख पट्टे जो लंदन जाना चाहते थे। बल्ली बाल काटता था। बाल छोटे करने हैं जी, बड़े कर सकता है, कर दे। बगू पिजामिया बेचता था। मुझे इतने बड़े बड़े साइज क्यों दिखाना है, मैं स्मॉल साइज डालती हूँ। जी आंटी जी, आपने पजामी टांगों में चढ़ानी है, छोटी उंगली में चढ़ानी है। और सुखी अंग्रेजी झाड़ता रहता था। आई अंडरस्टैंड नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, कोलन, सेमी कोलन, कॉमा से फुल स्टॉप। और उनके साथ मेरी मन्नू दुनिया से लड़ जाती है मेरे लिए। नमूना नहीं है ये, नहीं आती अंग्रेजी, हो गई गलती। कुश्ती घुमाती है कोच जी को, वहाँ गलती नहीं करते। आज तक लाइफ में मेरे लिए कोई लड़ा नहीं है पहले सर जी। तो जी मेरे लिए तो हो गई है मेरी वो गर्ल वाली फ्रेंड। मैं तो धमचक पक लुटपुट गया। क्या बात है, लुटपुट गया। वो सुनो, 60 साल का उम्र है बंदा, 58 या 68, नाच रहा है गा रहा है। मैं अभी देखा था लेटेस्ट में रणबीर, अपना रणबीर बोला, रणबीर कपूर का, कि बोलता भाई मेरा पीठ दुख रहा है, मेरा पीठ दुख रहा है। भाई मारो ना यार, मानो इसको बंदे को कि 60 साल की उम्र में भी इतना खूल खाट के नाच रहा है भाई, इसको मुझे तलापति को, भाई बिग सल्यूट यार आप लोग को, बिग सल्यूट। हाँ भाई, I want to go to lavatory. I don't want to go to lavatory. I to jit done lavatory.
So if you've no vocabulary, how do you propose to stay abroad? तुझे एक शब्द समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ अंग्रेजों के बीच कैसे रहेगा? ये नहीं रह रहा पंजाब में, इसको आता है भाषा पंजाबी का? 100 साल राज करके गए अंग्रेज हम, जब यहाँ आए थे हमने तो नींद से पूछा था कि भाई हिंदी आती है क्या? जब हमने इनको नहीं रोका था तो ये कौन होते हमको रोकने वाले? शाहरुख खान का फेस थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? जब हमने इनको नहीं रोका था, देखो ना एकदम ऐसा अजीब सा लग रहा है। कौन होते हमको रोकने वाले? चल वे बंदे, नकली उनका डबल फेस तो नहीं ऐसा लग रहा है? पता नहीं, वो एक्चुअल फेस नहीं लग रहा है। फेर मिलांगे बैठ के लंबी बात करांगे। हमने मजबूरी में अपना घर छोड़ा था, वरना कोई अपना देश, अपना परिवार, अपने दोस्तों को छोड़कर क्यों जाएगा सरहदों पे गोली खाने? ये कहानी मैंने शुरू की थी तो खत्म भी मैं ही करूंगा। 25 साल बाद मैं हूँ हरदयाल। ये क्या शॉट था? कौन गिरा है? छोड़कर क्यों जाएगा सरहदों पे गोली खाने? इसका दोस्त उड़ा है। देखो, न कोई अपना देश, अपना परिवार, अपने दोस्तों को छोड़कर क्यों जाएगा सरहदों पे गोली खाने? कोई और है। वो नहीं। ये कहानी मैंने शुरू की थी तो खत्म भी मैं ही करूंगा। 25 साल बाद मैं हूँ हरदयाल सिंह ढिल्लों हड्डी। क्या बात है, जय हिंद। क्या बात है, 21 दिसंबर भाई फुल वो था ना, एकदम फुल। इसमें हमें बस बताया जा रहा है कि कॉमेडी होने वाला है, इसमें बहुत ज्यादा बोलते ना क्लाइमैक्स होने वाला है, तो ओवरऑल बहुत मतलब ना ऐसा घुमाया हमें। मतलब अभी भी स्टोरी में पूरा बताया नहीं कि क्या स्टोरी है, बेसिक बस इतना पता है कि इंट्रोडक्शन दिया कि कौन कौन क्या क्या है, विकी कौशल कौन है, तापसी पन्नू क्या है, और उसके साथ उनके साइड एक्टर्स जो कास्टिंग किया गया है, तो ओवरऑल हमें बस ऊपर से बताया गया, पूरा स्टोरी भी मतलब पूरा अच्छे से नहीं बताया। तो मेरे को तो बहुत ऐसा लग रहा है कि भाई मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें हमारी कॉमेडी भी मिलेगी और बहुत ज़्यादा हमें बोलते ना इमोशनली, हमें क्या बोलते हो, इमोशनली हमें बहुत ज़्यादा अटैच करके रखने वाला है, क्योंकि इसमें जहाँ से हम जैसे स्टोरी देख रहे कि शाहरुख खान सर मतलब ना पहले अपनी जो अपने लोगों को छोड़ के जाने वाले ऐसा बताया गया है, और दूसरा है कि जहाँ पे वो जा रहे उसके उनके साथ जो लोग हैं उनके साथ मतलब ना लोग गोली मारकर उनको ख़त्म कर रहे हैं, कि जब हम ऐसा होता है जब बॉर्डर पास करते ना हम तो वो लोग मार देते, अगर इंडिया में भी कोई आता ना तो इंडिया के आई थिंक मुझे नहीं पता सोल्जर्स ख़त्म करते कि नहीं, लेकिन इंडिया के सोल्जर्स पकड़ते हैं ज़रूर, क्योंकि कोई भी लोग ऐसे घुस जाएंगे तो भाई कभी भी देश में अटैक हो सकता है। तो ओवरऑल वही स्टोरी बताया गया कि ऐसा घुस रहे तो उन पर अटैक किया गया, शाहरुख खान सर ने भी अटैक किया है, फिर एज मतलब क्या हो गया शाहरुख खान सर को भाई, एज डबिंग तो कुछ और ही चल रहा है भाई, मतलब अभी जस्ट जवान में देखे थे, अभी इसमें डंकी में भी देख रहे, तो मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत अच्छा जाए फिल्म, ये बहुत अच्छी सिनेमा निकले और अच्छा निकले यार। बस मैं चाहता हूँ शाहरुख खान सर हमेशा खुश रहे, हंसते रहे, और उनका जो वॉइस डबिंग यार, उनका जो फेस जहाँ तक मेरे को बीच बीच में लग रहा था ना कि वो नहीं है, वो वॉइस में मतलब ना वो कुछ और लगाया गया है ऐसा लगता है ना, और AI का मदद लिया या एक तरह से बोलते ना वो फेस का एक्सप्रेशन वाइज जो हमें शाहरुख खान सर का एक्चुअल वो दिख के नहीं आया, मेरे को जहाँ तक लग रहा है। बाकी तो आप सब बताओ, आप सबको क्या ऐसा लगा ये ट्रेलर, क्या लगा क्या नहीं लगा? बहुत मज़ा आया भाई, बहुत मज़ा आया। बस ये बोलूँगा कि भाई आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू, आप सबका प्यार देते रहना, और सब आप सब खुश रहना, मेहनत करना, हंसते रहना, अपने लोगों को हंसाते रहना, और बहुत ज़िंदगी में खुश रहना। मैं मिलूंगा आप सबसे बहुत जल्द। खुदा हाफ़िज़।